एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूँ वंदना। और जैसा कि आपको पता है कि बरसात का मौसम हो गया है स्टार्ट, और सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे बालों के लिए खड़ी हो गई है। मतलब बाल बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा झड़ते हैं। चाहे से आप कुछ भी ट्रिक यूज कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ बाल तो आपके झड़ ही जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आपके किचन में मौजूद दो ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि जिनका यूज आप कीजिए और आपके बालों का झड़ना जो है ना 100% खत्म हो जाता है। तो जो भी आपको सूट हो वो चीज आप यूज कीजिएगा। दोनों में आपको यहाँ पे अप्लाई करके और किस तरह से यूज करनी है वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अदरक का पैक बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह से अदरक। अगर आपके पास फ्रेश वाला अदरक है, मतलब अच्छा खासा रस हो उसमें, तो आपके लिए इतना टुकड़ा भी काफी हो जाता है। लेकिन अगर फ्रेश नहीं है, थोड़ा कम उससे रस निकले, तो आप इतना सा ले सकते हो। और इसके बाद फिर देखिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ, और ग्रेट करने के बाद फिर हम इसे मिक्सर जार में अच्छी तरह से पीसेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि ये जो मेरे पास अदरक है ना एकदम फ्रेश नहीं है, उतना ज़्यादा रस इससे निकलेगा नहीं, इसीलिए। तो पहले इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे ग्रेट कर, इस तरह से अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए मिक्सर जार में। थोड़ा सा इसे पीसता नहीं है, और अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि मिक्सर जार में अदरक को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। और अब हमें चाहिए एक कॉटन का कपड़ा जिसमें हम इसे डालेंगे, और जो भी रस इसका है वो हम सारा का सारा निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो रस मैंने ये निकाल लिया है। इसके अलावा जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है, देखिए, ये एलोवेरा जेल। आप चाहें तो विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर लीजिए। एलोवेरा जेल ऐड करने से एक तो ये थोड़ा सा थिक भी हो जाता है, अच्छी तरह से हमें पर इसे इस तरह से मिक्स करना होता है। बाकी बालों में कैसे अप्लाई करना है चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अच्छी तरह से पहले तो अपने बालों में कंघी कर लीजिए, आपके बाल जो है उलझने नहीं चाहिए। और ये देखिए मैंने ये ले ली है कॉटन, और ये रही मेरी रेमेडी। कॉटन को डिप करेंगे रेमेडी में, और बालों की स्कैल्प पे हम इस तरह से इसे अप्लाई करेंगे। दो पार्ट्स में पहले आप बालों को डिवाइड कर लीजिए, फिर इस तरह से लगाइए, और जैसे भी आपको अच्छा लगे इस तरह से बालों को हटा हटा के स्कैल्प में इसे यूज़ करें। तो प्याज का पैक बनाने के लिए मैंने लिया है ये मीडियम जैसे साइज़ का प्याज, और अब हम इसका बाहर का छिलका उतार लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर प्याज को अच्छी तरह से वॉश मैंने कर लिया है, और अब मुझे चाहिए एक ग्रेटर जिसकी मदद से मैं इसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँ। तो इस तरह से आपको इसे ग्रेट करना है, और आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सर जार में भी पीस सकते हो। जैसे भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उस तरह से आप कर सकते हो। तो ग्रेटर की हेल्प से भी बहुत ईजिली इसका सारा रस निकल जाता है। जैसे तो प्याज को अच्छी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है जैसा कि आप देख रहे हो, और ग्रेट करते बार ना आपके आंसू भी बहुत आते हैं, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं तो आप इसको मिक्सर जार में भी छोटे टुकड़े करके पीस सकते हो। तो ये देखिए ये पल्प जो है मैंने निकाल लिया है, और अब हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा ताकि हम इसका जो रस है उसे अच्छी तरह से निकाल सकें। तो मैंने ये इस तरह के कपड़े में प्याज को ले लिया, और बस इस तरह से फिर अच्छी तरह से इसे हम जो है रस अलग कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आपकी प्याज का रस हमने निकाल लिया है, और अगेन आप चाहें तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हो, साथ ही आप एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हो। तो एलोवेरा जेल मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं एलोवेरा जेल इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों ही बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप कोई सा भी ऑयल इसमें ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, कईयों के बरसात के टाइम में ऑयल लगाने से बाल भी झड़ते हैं, तो आपको जिस तरह से भी सूटेबल हो, मतलब अगर नहीं आपको भी सूट करता, नहीं लगाते हो आप बरसात के मौसम में ऑयल, तो आप फिर यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो बस मैंने ये दो ही चीज़ें ली हैं, एलोवेरा जेल और साथ में फिर ये प्याज का रस, और अच्छी तरह से हम अब इसे कर लेंगे मिक्स। इसे दोबारा जैसा हमने अदरक का जो रस है वो अपने बालों में लगाया स्कैल्प में, बस वैसे ही स्कैल्प पे ही हमें इसे भी यूज़ करना है।
और लगाने के बाद आप मिनिमम किसी भी चीज़ को आप जब लगाते हो अपने बालों में तो मिनिमम आप आधा घंटा तो रखिए ही रखिए, तभी आपको अच्छे इफ़ेक्ट मिलते हैं। और मैक्सिमम आप एक घंटा दो घंटा जितना भी चाहें लगा सकते हो। और प्याज का रस थोड़ा सा तीखा होता है, मतलब अजीब एक स्मेल जैसी आती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक सहन कर पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप चाहें तो लगभग एक घंटा के लिए इसे अपने बालों में लगा रहने दे सकते हो। और चलिए एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं कैसे यूज़ करूँ। अगेन ये रही हमारी रेमेडी, और मैंने ले ली है ये कॉटन। कॉटन की हेल्प से लगाना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप उस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से आप डायरेक्ट स्कैल्प पे अच्छी तरह से इसे मसाज कर सकते हो और आपको अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो ये बस बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि झट से अपने किचन में ही मौजूद प्याज और अदरक को लीजिए और रस निचोड़ करके उसका फिर आप लगा लीजिए। लगाना मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही सिंपल है। और अनियन में देखिए सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ अगर बाल झड़ रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही बहुत सारे ऐसे मिनरल्स और विटामिंस इसमें पाए जाते हैं, जिंजर में भी और अनियन में भी, जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस तरह से ट्राई भी किया होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपने बहुत ज्यादा पैक वैक में तामझाम में नहीं पड़ना है, बस लीजिए और यूज कर लीजिए। तो जी आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।